खरगोन उपद्रव मामले में प्रशासन की कार्यवाही से परेशान मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने मोहन टाकिज इलाके से सड़क पर चक्का जाम कर दिया। वहीं आधे घंटे के चक्का जाम के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव भी किया, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना लगते ही पुलिस दल बल सहित मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। बता दें, उपद्रव घटना के बाद घटना में लिप्त लोगों की धरपकड़ जारी है। ऐसे में कार्यवाही के नाम पर अत्याचार के विरोध में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। इस दौरान ज्ञापन सौंपकर महिलाओं ने स्थिति से जिला पुलिस अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया को अवगत कराया। इस दौरान आक्रोशित महिलाओं ने प्रशासन की कार्यवाही पर सवालिया निशान लगाकर बताया कि बेगुनाह लोगों को रात अंधेरे में पकड़कर ले जाया जा रहा है, वहीं जेल में मारपीट की जा रही है, जिसका विरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने मोर्चा खोला है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। खरगोन में जो हो रहा है, ये एक तरफा कानून चल रहा है। हमारे यहाँ पे जो हो रहा है, पुलिस प्रशासन की सरासर गुंडागर्दी है। ये रात के वक्त आती है हमारे घर पे, अगर कानूनी कार्रवाई करने है तो दिन में भी हो सकती है, लेकिन ये रात के वक्त कानूनी कार्रवाई करने आती है हमारे घर, और दरवाजा ठोकने के बजाय दरवाजा तोड़ा जाता है। दरवाजा तोड़ने के बाद हमारे घर के भाइयों को उठाकर बेरहमी से पीटा जाता है, जैसे जानवरों को भी अगर कोई नहीं पीटता होगा, इस तरह से हमारे घर के भाइयों को पीटा जाता है। अगर लेडीज आती है तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनसे कहा जाता है कि आप इस कपड़े में ज्यादा अच्छी लग रही थी, आप कपड़े क्यों चेंज कर रही हो, और हमारे भाइयों को घिसते हुए गाड़ी तक ले जाते हैं और मारते हैं। हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है कि कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई सबूत के तौर पर हो, हर चीज की सबूत होना चाहिए, उसके बाद ही हमारे भाइयों की गिरफ्तारी हो। हम खुद उन भाइयों को बाहर निकालेंगे जो दंगे में शामिल थे, और अगर इसके अलावा हिंदू पक्ष के जो भाई थे, हमारे पास उनके लिए भी सबूत है, लेकिन आज तक कोई एक भाई को हमारे हमने नहीं देखा कि गिरफ्तारी हुई है। मतलब भेदभाव क्या है? हम चाहते हैं कि कार्रवाई दो ही तरफ से हो। अब हमारे लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम दंगाइयों के खिलाफ है, लेकिन जो मासूम और जो बेचारे मतलब गुनाह है उनको बिल्कुल उनको परेशान ना किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिदा मुबारक शेख। तो उसके विरोध में उसको दावा बनाने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग हैं वो गाड़ी में नहीं थे, वो गलत उनको गिरफ्तार किया गया। उनको बताया गया कि क्या उनका विचार कर रहे हैं, उसके साथ ही देख के वीडियो पुलिस देखिए, और यदि नहीं है तो उनको फिर रिहा कर दिया जाएगा, और है तो वो नहीं छोड़ जाएंगे, तो बदमाशी भी उनको नहीं कर सकते। एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, रात में जाके सर्चिंग कर रहे हैं, रात में भी सर्चिंग हो पा रही है, क्योंकि दिन में नहीं मिलते हैं अपने घरों पर, तो वहाँ साथियों बहुत लेट आता है, और सुबह सुबह उसको दरवाजे से लेना पड़ता है, और यदि वो दरवाजा खोल देते हैं और सहयोग करते हैं तो किसी तरह का कोई विरोध नहीं होता है, तो विरोध करते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। अच्छा, मतलब बात अपनी समस्याएँ सुनी, इस प्रकार की समस्याएँ सुनाने के तरीके में कोई समस्या एक ही गिरफ्तारी ना की जाए, जो कि संभव है गिरफ्तारियाँ होंगी। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने यही आश्वासन दिया है कि सही है, वही होगा, जो मेरा क्या नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।